सकता हूँ प्रयागराज में एक ऐसी जगह पर जो पूरे विश्व में जाने जाती है संगम नगरी के नाम से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संगम नगरी माघ मेला में जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और इस विश्व में जाने जाने वाला ये जो मेला है जिसको माघ मेला कहा जाता है, पिछले दो साल से इस कोरोना काल के महामारी के वजह से लगातार श्रद्धालुओं का कम होना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं कोरोना का डर श्रद्धालुओं में बसा है। जानते हैं यहाँ से, यहाँ के निवासियों से, कि क्या दो साल पहले तक जो भी कोरोना काल चले थे, कोरोना काल से पहले जो श्रद्धालु आते थे उसके मुताबिक अब श्रद्धालुओं का आना कम कैसा हुआ, यहाँ के निवासी से जानते हैं। आपका क्या नाम है? यहाँ पर जो पिछले दो साल पहले जो कोरोना जा रहे थे, मैं कंटिन्यू यहाँ पे हूँ, दुकान मेरी है, लेकिन दो साल से कोरोना काल से जो स्थिति हुई है कोई कहा नहीं जा रहा, काम निकल रहा है। अच्छा, श्रद्धालु जो दो साल पहले तक श्रद्धालु आते थे, क्या अभी भी आ रहे हैं? वैसे उसमें से तो मैं मान के लिए 25% आ रहे हैं, 75% नहीं आ रहे हैं। तो क्या भय बना हुआ है कोरोना का? गवर्नमेंट योगी जी इतना माननीय मुख्यमंत्री जी इतना यहाँ पे जो है सारा प्रोटोकॉल का सारी व्यवस्था किए हैं, लेकिन आदमी भय बस यहाँ पे आने में असमर्थ हो रहा है। मतलब भय की वजह से, कोरोना के भय की वजह से श्रद्धालुओं को नहीं आ रहे। तो चाचा एक चीज़ और बताइए, आप यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को मान लिया जाए कि कोरोना जो है तो बचाव के वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, या कोरोना के डर के वजह से? ये कोरोना के डर को। अच्छा, आपने देखा कि ये दो दिन पहले है मकर संक्रांति, तो हम लोग कहते हैं क्या उसमें श्रद्धालु पहले के मुकाबले आए? पहले के मुकाबले आधा है, आधा है। आगे क्या उम्मीद लगती है कि आगे श्रद्धालु आएंगे? और आगे पहली तारीख को हमारी मर्जा है, पहले फरवरी को, उसमें तो भीड़ आएगी, नहीं आने की बहुत कम है। आगे क्या होता है, आपने देखा जिस तरीके से संगम नगरी पर इस पूरे कोरोना काल को देखते हुए माघ मेले का आयोजन में सरकार ने कराया, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में एक डर और एक भय कोरोना का बना हुआ है। ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम माघ मेले संबंधित खबर आप तक पहुँचा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।